में इंडिया अलायंस ने सत्ताधारी बीजेपी को बटकरी दे दी। यूपी में समाजवादी पार्टी के चमकते हुए चेहरों ने बीजेपी को हार का मुंह दिखा दिया। कौशाम्बी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के विजय प्रत्याशी ने तो इतिहास ही रच दिया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी लोकसभा सीट से विजय हुए प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज देश के इतिहास अब तक के सबसे युवा सांसद बन गए हैं। 4 जून 2024 को पुष्पेंद्र की उम्र 25 साल 3 महीने 3 दिन हो गई। उन्होंने कौशाम्बी लोकसभा सीट से लगातार दो बार सांसद विनोद कुमार सोनकर को करारी शिकस्त दी। पुष्पेंद्र सरोज ने विनोद सोनकर को वोटों के बड़े अंतर से हराया है। पुष्पेंद्र सरोज ने विनोद सोनकर को 1,03,944 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। पुष्पेंद्र सरोज को जहां 5,09,787 वोट मिले, तो वहीं विनोद सोनकर को 4,05,843 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी शुभ नारायण रहे, उन्हें 55,858 वोट मिले। बता दें कि पुष्पेंद्र सरोज उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के पश्चिम शरीरा के रहने वाले हैं। इनके पिता इंद्रजीत सरोज कभी बसपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे। 2007 से लेकर 2012 तक मायावती सरकार में मंत्री रहे। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा ने उन्हें कौशाम्बी जिले के मंजनपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। कहते हैं कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में इंद्रजीत सरोज का बड़ा रोल रहा है। कौशाम्बी से समाजवादी प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कौशाम्बी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। सर, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, 1 लाख से अधिक वोटों से आप जीते हैं, इसका श्रेय किसको देंगे आप? देखिए, जनता की जीत है और आप देख सकते हैं पूरे देश में जो बदलाव होने जा रहा है। अब की बार जनता ने ही खड़े उतर के चुनाव लड़ा था। जनता ने ही भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को, झूठे वादों को ठुकरा दिया है और अपने मुद्दों पे बात हो, उनके मान सम्मान की जो लड़ाई कौशाम्बी में लड़ी जा रही थी, जनता ने अब की बार जीत हासिल की है और ये पूरा का पूरा श्रेय हमारी जनता को जाता है। सर, सबसे कम उम्र के आप सांसद हैं, संसद में जाएंगे, कैसे युवाओं के मुद्दे उठाएंगे और आप अलग अलग जगह पर जाकर चुनाव प्रचार किए होंगे, जनता के क्या मुद्दे और युवाओं के क्या मुद्दे रहे? देखिए, ये सही बात है कि मैं सबसे नौजवान हूँ जो संसद भवन में जाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान की एक खूबसूरती है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में जहाँ पे प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, जहाँ पे बहुत बड़े मिनिस्टर बैठते हैं, बहुत एक्सपीरियंस नेता बैठते हैं, वहाँ पे एक नौजवान भी अपने लोगों की आवाज़ रखेगा, अपने लोगों का नेतृत्व करेगा। और ये बाबा साहेब के संविधान को बचाने की जो लड़ाई हम कौशाम्बी में लड़ रहे थे, उसकी खूबसूरती आज जनता के वोटों के में जो तब्दील हुई है और जिस तरीके से जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, हम जीत रहे हैं। आज यहाँ से मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमने संविधान को कौशाम्बी से बचाया है और यही खूबसूरती आगे चल के पूरे देश में हम हंसाएंगे। सर, आपके पिता हैं इंद्रजीत सरोज, यहाँ की जनता उनको विकास पुरुष के नाम से जानती है, क्या वो विकास पुरुष का जो टैग है वो क्या आप अपने नाम के आगे क्या आएगा? देखिए, स्वाभाविक है कि जहाँ की जनता अब जान चुकी है कि कौशाम्बी जिले का अगर कोई विकास कर सकता है वो मेरे पिताजी हैं, तो मैंने चुनाव के समय भी ये कहा था कि मैं उन्हीं के मार्गदर्शकों पे चल के, उनका आशीर्वाद लेकर के, अपने लोगों का मान सम्मान रख करके लोगों के लिए काम करूँगा, उनकी आवाज़ संसद भवन में उठाऊँगा। तो वो टैग मेरे पिताजी का है और हमेशा रहेगा, और जो भी टैग या फिर जो भी नाम मेरे को जनता बाद में देगी, पहले मैं उनके लिए काम करूँ, उनका मान सम्मान करूँ, वो टैग आता रहेगा। नाम खुद जनता डिसाइड करती है, जनता ही चुनाव जिताती है। आज जनता ने पहली बार मुझे चुनाव जिताया है और आगे चल करके मैं जनता के लिए काम करूंगा तो पुनः मेरे को जिताती रहे। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने कई बार बयान दिया कि हमने पिता को हराया है, अब पुत्र को हराएंगे, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? अब तो आप जीत गए, अब तो जनता ने हरा दिया है, तो बस यही कहूँगा कि जनता ने जिस तरीके से उन्होंने पूरे चुनाव अटकले किया और टिप्पणियाँ की, व्यक्तिगत टिप्पणियाँ की, जनता को धमकाया, तो जनता ने जवाब दे दिया है। आज भारी मतों से एक ऐतिहासिक जीत कौशाम्बी लोकसभा में होने जा रही है। 2 रिकॉर्ड जो आज यहाँ पे बने हैं, सबसे ज़्यादा मतों से सबसे नौजवान सांसद संसद भवन में जाने वाला है, ये जनता ने अपना आंसर उनको दे दिया। हमारे साथ पुष्पेंद्र सरोज जी मौजूद थे, जिन्होंने बात किया, जिन्होंने कहा कि हम युवाओं के मुद्दों को संसद भवन में उठाएंगे, और उन्होंने खासकर जनता को धन्यवाद किया है और उन्होंने कहा है कि अपने पिता के की तरह वो भी कौशाम्बी का विकास करते रहेंगे। प्रसिद्ध मिश्रा, भारत समाचार, कौशाम्बी।